स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर। मैं हूं धीरज कुमार और आज बात करेंगे बिहार में चल रहे पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक करियर में 10 अगस्त को 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर शपथ लिया। हालांकि उन्होंने एक दिन पहले ही राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा था। दरअसल जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना अलायंस तोड़कर महागठबंधन पार्टी में जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, महागठबंधन पार्टी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी का गठबंधन है। 10 अगस्त को पटना के राजभवन में, जहां नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने की शपथ ली, वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम बनने का भी शपथ लिया। आपको बता दें, 243 सीटों की विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 79 एमएलए के साथ खड़ी है, जबकि जेडीयू के पास 45 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 19 और सीपीआई लेफ्ट फ्रंट के पास 17 विधायक हैं। जेडीयू और महागठबंधन पार्टी की नई सरकार में कुल मिलाकर 164 विधायक के साथ 2 निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। बताया ये जा रहा है कि इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के सभी नेताओं के साथ तत्काल बैठक की और ये भी चर्चा हुई कि बीजेपी सरकार उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं दे रही है। इसके अलावा उनकी पार्टी के ऊपर कई षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। हालांकि मीडिया में दिए गए बयान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी के सभी सांसद और विधायक सर्वसम्मति के साथ एनडीए छोड़ने वाले हैं। 2020 के चुनाव के बाद जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी, लेकिन महज 2 साल के अंदर ही ये गठबंधन टूट गई है। पिछले 7 वर्षों के अंतराल में ये दूसरी बार होगा जब जेडीयू और आरजेडी जैसी कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टी एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही है। आपको बता दें, नवंबर 2015 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन पार्टी का हाथ थामा था, लेकिन जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव पर करप्शन को लेकर लगे आरोप के कारण नीतीश कुमार ने ये पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि वर्तमान में चल रहे इस राजनीतिक उठापटक में बीजेपी का बयान आया है कि 2020 के चुनाव में जेडीयू से ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद भी बीजेपी सरकार ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था। वर्तमान में जो भी कुछ हो रहा है उसे बिहार की जनता के साथ धोखा माना जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार का महागठबंधन पार्टी के साथ यूं जुड़ना विपक्ष के द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए उन्हें प्रस्तुत करने का एक समझौता है। नीतीश कुमार पहली बार मार्च 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए थे, जहां उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उन्हें बहुमत साबित न कर पाने पर इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद वो वर्ष 2005 में भी मुख्यमंत्री चुने गए थे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। वर्ष 2010 में भी बिहार की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया था, पर इस बार भी नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। हालांकि उन्होंने 17 मई 2014 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि 22 फरवरी 2015 में एक बार फिर से उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इस बार नीतीश कुमार ने महागठबंधन पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि इन्होंने 26 जुलाई 2017 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ ही महागठबंधन पार्टी से भी किनारा कर लिया था और वापस फिर से एनडीए से हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। वर्ष 2020 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस बार भी इन्होंने एनडीए के साथ मिलकर ही सरकार बनाई थी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।